आराम कर रहे हैं, तो उस वक्त तो वो नाजरा देखकर भी इस लोगों पर नहीं पड़ सकते थे। माशाल्लाह यकीन है उनके पीछे उनके उस्ताद मोहतरम की भी बड़ी मेहनत है, मेहनत कर कराई गई बाकायदा, और फिर से याद किया कुरान करीम की पूरी इस सूरत इस रुकू को और उसका तर्जमा पेश किया गया। अल्लाह से मजीद अल्लाह ताला ने मजीद इसी मेहनत करने की तौफीक अता फरमाई। इसी मजमून को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इम्तिहान के इसी पहलू को तकरीर के अंदाज में पेश करने के लिए दावत देता हूँ अजीजन अलीमुद्दीन फकीरा सदमा को मुस्तफाए तकरीर पेश करें। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مثال له. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام صدق الله العلي العظيم. يهتزان نزلتانا बेटा आज मैंने ख्वाब देखा है। पितर बोला
मेरा दादा तो देखा है, देखा है कि मैं खुद आप मुझको सलाम करता हूँ, देखा है कि मैं खुद खुदा के नाम पर मेरे लहू से अपने हाथ धोता हूँ। हजरत गिलानी ये हजरत गिलानी सही तरह से कुरान पाठ सलाम या अपने रब की रसा जो ये और हुक्म की तकमील करते हुए मिला था अपने प्यार पर बस बेटे को राह खुदा में कुर्बान करने से बड़े थे बिना लगाने मिल ये वही मियां का बेटा है जो बड़ी तमन्ना और आरजू के पास बुला के लिए नसीब हुआ था। जिन हाजों को हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम ने आसमान की तरफ उठाकर सहारा तलब किया था इस दीदार ने मासूम बच्चे को बेटे की तरह जमीन पर गिरा कर दबा कर रहे हैं मगर उसमें खुदा ने यह मामले का रूप बुलंद किया। रब कायनात ने इशारा फरमाया और मुसत मुदो किया अल्लाह का हुक्म आ गए तो अपनी भूलों को तो
ہے اللہ کے حکم کیا ہے اپنے سر کو جھکا دے, کوئی حکمت اور کوئی مصیبت تلاش نہ کر. ان تمام واقعات میں قربانی کے سارے فلسفے میں ایک ہی بات سمجھائی گئی, کہیں بھی حضرت ابراہیم والا نبی علیہ السلام السلام نے پلٹ کر یہ نہیں پوچھا کہ اللہ آپ کا آگے لیا حکم ایسا ہے. لہذا اسی مضمون کو نظمی انداز میں پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں عزیزم عتیق بخاری اور ان کے ساتھیوں کو کہ وہ آئے اور نظمی انداز میں Hallelujah.
नमाज पढ़ना एक मुस्तकिल अलग इबादत है।
बाकी कहिया में अगर कोई शख्स 10 लाख रुपए भी गरीब को खर्च कर दे तो वो इस इबादत का बदल नहीं हो सकता। ऐसा कि हमारे से मुबारक है अम्मा ऐशा रजी अल्लाह तआला ने फरमाते हैं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा अमिला इब्नु आदम मिन अमलि यौमन अहब इला अल्लाह मिन इराकिद दम। इब्ने आदम का कोई अमल अल्लाह ताला को खून बहाने से ज्यादा पसंद नहीं। या कुर्बानी के दिनों में इब्ने आदम का अमल अल्लाह को खून बहाने से ज्यादा पसंद नहीं। और सुन्नत अल्लाह यही है कि जिस चीज की जितनी जरूरत होगी उसकी पैदावार इतनी ही बढ़ती है। आप उसका अंदाजा इस तौर पर भी लगा सकते हैं कि जिस जानवरों की कुर्बानी नहीं होती तो इनकी पैदावार में भी कमी है और जिन जानवरों की कुर्बानी होते हैं लोग ऐसे जानवरों को पालने पर भी तवज्जो देते हैं। इन्हीं सवाल का जवाब इन मुकालमा में दिया गया है। लिहाजा में मुकालमे के लिए अजीजम मोहम्मद साजिद पापा और यूसुफ जबेरिया और उनके साथियों को दारुल इत्मीनान बुलाए और मुकालमा पेश करें। अब बाड़ा ने कहा कि ये बंदा मुझे मोहब्बत का दावा करता है
جو ہے قربانی کی ہمیں فضیلت کا تقریر کے لیے دعوت دیتا ہوں. عزیزان فرحان اور مدد فقیرہ مصطفیٰ آئے ہیں تقریر پیش. Thank you.
آج کا ہمارا یہ سیرت ابراہیم علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پروگرام اس کڑی کے ساتھ پورا ہوا. الحمدللہ ولولہ کے سبری نے شام کو نظم کا باہر سنگا اور قربانی کے منصوب پر دلچسپ مکالمہ بھی ہوا. آپ اس طرح اسکیم تک حاجی حسین اللہ کی طرف سے 500 روپے تماشا نہیں
इनके ये पोते हैं, उन्होंने जो किताब तरतीब दी है उनके शुरू के ठीक चार सफों में इन्होंने ये बहुत अच्छा मजमून लिखा है कि अदिया के बाकीना के अंदर कुर्बानी का तसव्वुर, ये कुर्बानी सिर्फ मजहबे की सलामत की कोई खसूसियत नहीं है, जैसे कि मासूम बच्चों ने बताया चादर अलैहि सलाम से सिलसिला चला रहा है। तो अजीज तलबा माशाल्लाह आपने बहुत जानदार और शानदार प्रोग्राम पेश किया और उसमें हमारे नाथ खान उबैदुल्लाह साहब ने चार चांद लगा दी और हमारे मौलाना वजीर साहब की बेनाम से माशाल्लाह सारे प्रोग्राम बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही आला थे, बहुत ही उमदा थे। देखो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस वाक्य में दो चार बातें हमारे लिए नसीहत की है। तवज्जो दे बच्चों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये बाप हैं, इनके साहिबजादे हजरत जिकर नूर नजर इनके पुत्र इस्माइल अलैहिस्सलाम हैं। अल्लाह से दुआ की, वो कहता मैंने तेरे घर के पास अपने औलाद को अपनी जरूरत को छोड़ा है। अजीज बच्चों यहाँ जब यहाँ देखो यहाँ देखो, आपको भी आपके वालिदैन ने इस चार दीवारी में ये मस्जिद है अल्लाह का घर भी यहाँ आबाद है, यहाँ छोड़ा है। और जो अल्लाह के घर पर आता है अल्लाह के घर पर आता है अल्लाह उसे जाया नहीं करते। बस आपको दो चार चीजों की जरूरत है, एक हौसला बुलंद है, आप बहुत बड़े हुसूल के लिए आए हैं, बहुत बड़ी कमाई के लिए आए हैं, बहुत बड़े काम के लिए आए हैं, दुनिया में जिस काम के लिए अल्लाह ने आपको पसंद किया है। हदीस से बात और अल्लाह के कुरान से पता चलता है कि इससे बराबर कोई काम नहीं है। अगर इससे बड़ा कोई काम होता तो अल्लाह वो काम कुरान के अंदर सबसे पहले निकालते। अल्लाह सुभान व तआला ने फरमाया इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, अल्लाह ने पहले आयत उतारी जिस काम के लिए अल्लाह ने आपको भेजा उस काम की ताकीद अल्लाह ने अपने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाई इकरा, ये मेरे महबूब आप पढ़िए। और आपकी क्या है पढ़ने की क्या है, क्या करने की क्या है पढ़ने की। ये पढ़ने का हुक्म अल्लाह ने अपनी जमीन पर अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे पहले उठा। और कौन सा पढ़ना, तो कहा कि बिस्मे रब्बे अपने रब के नाम से पढ़िए और ऐसा ही वो पढ़िए जो आपको अल्लाह से मिला, किसे मिला दे अल्लाह से। तो बहुत बड़ा काम है और जो काम जितना बड़ा होता है उनके उसूल आदाब होते हैं, उनके उसूल आदाब होते हैं, कानून और जाब्ते होते हैं। सबसे बुनियादी उसूल अगर इस दिल को चाहिए है तो ये क्या हम अपने दिल में अल्लाह को राजी करने का जज्बा रखें, किसको राजी करने का कि अल्लाह राजी। बाबा ने तो ये लिखा है और कहा है सही यकीन नहीं है दुनिया के सबसे पहला मदरसा, इसी तरह कयाम और काम के साथ बोलिंग के साथ लॉजिंग के साथ खाने पीने के साथ जिस जमाने के अंदर तैयार हुआ और बना है वो निजामुल मलिक उसी के जमाने के मुसलमान बादशाह हुआ है, निजामुल मलिक उसी के जमाने के अंदर जब इसने मदरसा तैयार किया और खोल लिया और बच्चे पढ़ने के लिए आए। लेकिन निजामुल मलिक उसी ने सोचा पूछे कि बच्चे पढ़ने के लिए क्यों आए, तो एक भी कहेगा मैं बहुत बड़ा आलिम बनने के लिए, एक कहेगा मैं बहुत बड़ा हाफिज बनने के लिए, बहुत बड़ा मुफ्ती बनने के लिए, बहुत बड़ा मुतारिफ बनने के लिए, बहुत बड़ा काजी बनने के लिए। जैसे हमारे भी जज्बा है इंशाल्लाह हम सब बनेंगे इंशाल्लाह। एक बच्चे ने भी हरे से निजामुल मलिक उसी ने पूछा तो क्या बनेगा, ना कि तेरे अपना काजी है मैं अपने शहर का बड़ा काजी बनूं, किसी ने कहा तू क्या बनेगा बेटे बहुत बड़ा बहुत बड़े आलिम के लिए अल्लामा बनूंगा बहुत बड़ा आलिम बनूंगा, किसी ने बहुत बड़े मुफ्ती बनने का कहा। निजामुल मलिक उसी ने कहा कि सब दुनिया के लिए बनना चाहते हैं अल्लाह के लिए कुछ करना नहीं चाहते। जाते जाते हुए एक छोटे से दरख्त के साया तले रात के वक्त में अंधेरा, निजामुल मलिक उसी ने देख कर दिया क्या मदरसा चलाने की जरूरत नहीं है, अल्लाह को राजी करने की नीयत किसी की नहीं है। अब मदरसे को ताला लगा दो, जाते जाते हुए एक रास्ते की नजर पड़ी, एक छोटा सा बच्चा
दिए के अंदर हमारी आप रोशनी है, उस जमाने के अंदर क्या था, छोटे दिए थे, मोमबत्ती थे, उसमें पढ़ते थे। तो मोमबत्ती में दिए में पढ़ने वाले एक बच्चे से कहा, आप जाते ना देशों में पूछ लू कि तू क्यों पढ़ता है। मैं के पास गए, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम बेटा, तू क्यों आया इस मदरसे में पढ़ने के। तो कहा कि मैं इसलिए आया हूँ ताकि मैं अभी को सीखूँ। इससे क्या फायदा होगा, एक को सीख कर क्या मिलेगा, ताकि जब मैं एक को सीखूंगा तो मुझे पता चलेगा कि अल्लाह किन आमाल से राजी होते हैं और अल्लाह किन आमाल से नाराज होते हैं। अल्लाह राजी कैसे होते हैं, तो मैं अल्लाह को राजी करने के लिए इल्म सीख रहा हूँ। रिजामत मलिक मुझसे ने कहा कि तेरी एक की बरकत से मदरसे को खुला रखता हूँ, आमाल करता हूँ। तो एक एक नियत ये कर कि हम इंशाअल्लाह अल्लाह को राजी करने के लिए आमाल करते हैं। अब अल्लाह को राजी करने के आमाल की दलील क्या है, साफ सुथरी बात है। आप मदरसे में कितने टाइम की नमाज पढ़ते थे, दो टाइम, कितने पांच, माशाल्लाह, कितने टाइम की पढ़ते थे भाई, पांच। अब आपको घर पर जाकर भी कितने टाइम की नमाज पढ़नी है, क्या अल्लाह को राजी करने की बात हुई, क्या अल्लाह को राजी करने की बात हुई। जिस तरह मैं मदद से ही जहां बीमारी के अंदर रहकर मेरे अल्लाह को राजी करने के लिए मन खोलता नमाज पढ़ता था, जिक्र का इंतजाम करता था, कुरान की तिलावत करता था, अल्लाह को याद करता था, अल्लाह के लिए सजदा करता था, मैं अपने मकाम पर अपने घर पर जाऊंगा, मेरे पास कहने की जरूरत न पड़ेगी, मेरी अम्मा को कहने की जरूरत न पड़ेगी, मेरी मेरे शहर के लोगों को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए जब मैं काशी प्रमुख के अंदर पढ़ता था उस वक्त भी वो पांच वक्त की नमाज पढ़ता था, अल्लाह को राजी करने के लिए पढ़ता था। अब तक मैं मदरसे से ना सोचा हूँ, आठ दस दिन की तालीमात हो चुकी हुई है, उसमें भी मैं अल्लाह ही को राजी करने के लिए नमाज पढ़ता हूँ। इंशाअल्लाह एक दूसरी बात, आखिरी बात, इस इल्म को हासिल करने की इल्म में नाफिर और इल्म में लदुनी, इसको हासिल करने के लिए एक बहुत बड़ा उसरत और उसूल है जो इमाम शाफी रहमतुल्लाहि अलैह ने अपने उस्ताद से शिकायत की थी। हमने से बहुत सारे अजीज तलब ऐसे हैं जिनको याद होता है बहुत अच्छा, किसको याद होता है 50%, किसको याद होता है बिल्कुल 25%, और किसी को याद नहीं होता भूल जाते, ऐसे भी है ना मेरा साथी। देखो दिमाग जो है अल्लाह की देन, दिमाग क्या है, हाफिजा जो है दिमाग की तेजी मेमोरी का तेज होना ये अल्लाह की तरफ से है। लेकिन इसमें ज्यादा उसूल ये है कि जो बच्चे गुनाहों से बचे, खुसूसन बड़े अजीज तलबा के लिए हमारा इससे भी दरखास्त करता हूँ, गुनाहों से बचना। इसलिए तो अरबी का कुरान शब्दों के इलावा की अनिल सुमरा की उसी अवसानी के इलावा के लोहासी इन लड़ी मनोर की किराजी मनोरुल्लाह इलाहुल्लाह कासी। जब हाफिज़े की शिकायत की कि याद नहीं होता, खुद जहन में भूल जाता हूं, तो क्या फरमाया कि गुनाहों से बचो। सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है, नमाज का छोड़ना। सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है, इससे बड़ा कोई गुनाह नहीं। तो हम नमाज पढ़ेंगे हम गुनाहों से बच गए, हमारे किसके अलावा भी गुनाहों से बच रहे। घर जाकर के मोबाइल से परहेज करना है, किससे भाई, बहुत सारे बच्चे के लिए बोला अभी से तो हमने याद किया था मोबाइल को, सारी रात से घर चले गए, छह बजे पहुंचे थे, सीधा मोबाइल नहीं, उससे परहेज करना है। मोबाइल से अपने आप को बचाए, गुनाहों से अपने आप को बचाए, परहेज करें तो क्या होगा कि अल्लाह का इल्म जो है हमारे दिलों में अल्लाह का बिठा दे। लेकिन बात ये थी माशाल्लाह सीरत इब्राहिम की कमान का बहुत अच्छा जलसा रहा, बहुत कामयाब रहा, बड़ी मेहनत की, खास करके जो नाश्ता पढ़ने वाले जिन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बढ़िया मुबारक आपकी सीरत मुबारक अरबी के अल्फाज के अंदर नकल की, उसके अलावा माशाल्लाह ध्यान दे और नज़्मे और आखिर में हमारे दोस्त थे अबू बकर फकीर, हम साथ में खेलते थे, इनका जिंदा था बहुत अच्छी माशाल्लाह, इन्होंने भी तकरीर की, सारे प्रोग्राम बहुत अच्छे थे, सारे प्रोग्राम बहुत अच्छे थे, और आपको तो बहुत अच्छी अच्छा फील मिला है, बहुत अच्छा कैंपस मिला है माशाल्लाह। आप यहाँ से जब जाएंगे तो अपने मदरसे की नेकनामी करेंगे, क्या कहते भाई, नेकनामी। हाँ हमारे जाने से दूसरे बच्चों को ऐसा हो, इनके वाली को ऐसा हो, इनके पेरेंट्स को ऐसा हो, इनके घर वालों को ऐसा हो कि हम भी अपने बच्चों को मदरसे में भेजेंगे, ऐसा करेंगे इंशाल्लाह। ऐसा तो वहां जाकर
वाले भी गए कि भाई मदरसे में कभी नहीं देखना चाहिए, ये तो शरीर बनकर आए हैं, ये तो वहां मस्ती खो बनकर आए हैं, इंशाल्लाह इससे परहेज करेंगे इंशाल्लाह। आमीन। आपको अजीज कारोबार से गुजारिश है कि अपने अपनी दरसगाह में पहुंचे, फिर वहां से इंशाल्लाह आपको रोशन किया जाएगा।